खबर चमोली से है, जहां बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल अधिकार एवं सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीरो बैंड स्थित बैंकेट हॉल में जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार ही बच्चे का प्रथम पाठशाला होती है, वहीं बच्चे अच्छा बुरा सीखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चों की समस्याएं सुन सकें। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो तथा चिकित्सा विभाग को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने को कहा। इसके बाद अध्यक्ष ने बाल मित्र थाने का निरीक्षण किया और इसके सुचारू संचालन के निर्देश दिए। चमोली से संदीप अधिकारी की रिपोर्ट।